भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान के खिलाफ रांची में हिंसा बढ़ गई है। रांची का मेन रोड का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। पुलिस पर पथराव शुरू हो गया है। बेकाबू भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया है, जबकि आसपास की दुकानों और एक धार्मिक स्थल पर भी पत्थर फेंके गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे आई पुलिस को भी भागना पड़ा। इस पथराव में डेली मार्केट थाना प्रभारी अवधेश ठाकुर, कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार फायरिंग कर रही है। फिलहाल स्थिति बेकाबू है। मौके पर पहुंची रांची के सभी थानों के थानेदार और DSP पहुंच गए हैं। पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल मंगवाया गया है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ रांची में हिंसा हुई। हालात पूरी तरह से बेकाबू है। लगातार हो रही फायरिंग पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डेली मार्केट के थाना प्रभारी अवधेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। रांची के इकरा मस्जिद के पास नमाज के बाद लोगों की भीड़ है। देखिए देखिए पत्थर चला रहे थे। देखिए आप इधर आ जाइए, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।